कुछ कुछ होता है की बात है, तो मुझे एक सबसे ज्यादा बहुत ही मजाकी बात मैं शेयर करना चाहूंगा। इस फिल्म में एक और सुपरस्टार थे, सलमान खान। तो मैं एक्चुअली इस फिल्म की कास्टिंग कर रहा था और कोई इस फिल्म का कि कोई रोल नहीं करना चाहता था। कोई शाहरुख काजल थे तो ये जो दूसरा किरदार था तो वो कोई नहीं निभाना चाहता था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शाहरुख की फिल्म में हम क्यों करें। तो मैं कुछ तीन या चार एक्टर्स के पास, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने सबने इनकार कर दिया था रोल का। तो मैं बड़ा ही बहुत ही डिप्रेस था और मैं चंकी पांडे के घर था एक रात, उन्होंने पार्टी रखी थी, तो मैं बड़ा सैड सा फेस लेके आ गया था वहाँ। और वहाँ सलमान खान थे, तो वो मेरी तरफ आए और उन्होंने कहा, अपनी स्टाइल में कहा कि तूने कर ली शॉपिंग? तो आई सेड शॉपिंग? सो ही सेड हाँ, तू गया ना सबके पास, वो शॉपिंग ही तो होती है। तो आई सेड हाँ, लेकिन इस फिल्म को करने के लिए किसी को पागल होना चाहिए और मैं वो पागल हूँ। तो आई सेड अच्छा, तो मैं इतना आई सेड आप करोगे? वो तो बहुत बड़े स्टार थे, तो वो तो मेरे लिस्ट में भी नहीं थे क्योंकि इतने बड़े स्टार थे। तो ही सेड तू कल आ जा और मुझे नरेट कर ले। तो मैं गया उनके घर, तो मैंने बहुत जोश और जुनून के साथ पहला हाफ जो है ना नरेट किया इंटरवल। तो ही सेड वेरी गुड, आई एम ऑन। तो आई सेड मैं तो डर गया, मैंने सोचा इनको लग तो नहीं रहा कि शाहरुख का रोल मैं ऑफर कर रहा हूँ, क्योंकि आई सेड भाई सर आपका रोल आया नहीं, वो तो सेकंड हाफ में है। इसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपके पिताजी को जानता हूँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ ये फिल्म, रोल जो भी हो। इस तरह वो इस फिल्म में आए और उन्होंने इस फिल्म को किया। और उसके बाद मैं उनके घर गया था जब पिक्चर चली थी, एंड आई वाज जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने हाँ क्यों, आई रिमेंबर द इंपैक्ट ही हैड इन द फिल्म, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विद यू। क्या बात है सर, अमेजिंग। यार के लिए जोरदार तालियां। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।